चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षित चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, कर्नाटका स्टेट ने गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट राउंड के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप शेड्यूल भी बताऊंगा और इसकी कंडीशन भी बताऊंगा। इस नोटिस को देख के काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपका इस वीडियो में वो सारा कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। तो इसमें जो मेडिकल के लिए और इंजीनियरिंग के लिए, दोनों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। आप सबको पता होगा कर्नाटक स्टेट में सीटी के साथ साथ नीट की भी काउंसलिंग होती है। इसमें यानी कि इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर वगैरह जो कोर्सेज हैं अलग, उनके साथ साथ मेडिकल की काउंसलिंग भी इस बार साथ साथ ही होगी। कि ये डायरेक्टर के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था दो दिन पहले कि एमसीसी का शेड्यूल जारी हो गया है, लेकिन हम इतना वेट नहीं कर सकते, इसलिए एमसीसी का रिजल्ट 23 अगस्त को आएगा और केई का रिजल्ट 21 को ही आ जाएगा। अब मैं आपको आगे इसका शेड्यूल बता देता हूं और आपके सारे डाउट क्लियर कर देता हूं। तो जैसे ही यूजी नीट 24 फर्स्ट राउंड शेड्यूल पर क्लिक करेंगे तो यहां पूरा नोटिफिकेशन दिया हुआ है। इसमें ये कहा गया है कि इस बार दो मॉक अलॉटमेंट जारी किए जाएंगे। फर्स्ट का जो मॉक अलॉटमेंट जारी होगा वो इंजीनियरिंग के लिए होगा, वेटनरी के लिए होगा, आर्किटेक्चर के लिए होगा, योगा के लिए होगा। इन सब कोर्सेज के लिए फर्स्ट राउंड का जो मॉक अलॉटमेंट होगा वो इन सब के लिए होगा, लेकिन जो दूसरा मॉक अलॉटमेंट होगा वो इनके साथ साथ, ये इन कोर्सेज का तो होगा ही होगा, इनके साथ साथ मेडिकल, डेंटल, आयुष कोर्स का मॉक अलॉटमेंट होगा। अब आप यहां सोच रहे होंगे कि ये मॉक अलॉटमेंट क्या होता है। तो मॉक अलॉटमेंट, जैसे कि फर्स्ट राउंड का मॉक अलॉटमेंट है, तो फर्स्ट राउंड के रिजल्ट से पहले आपसे च्वाइस फिल करवा के एक अलॉटमेंट जारी कर दिया जाएगा, जिससे आपको ये सूचित किया जा सके कि आपको ये कॉलेज मिल रही है। उसके बाद उस मॉक अलॉटमेंट में आप कॉलेज को चेंज कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं और फिर फाइनल रिजल्ट जारी होता है। तो ये होता है मॉक अलॉटमेंट। तो इस बार जो दो मॉक अलॉटमेंट जारी होंगे उसमें फर्स्ट का जो मॉक अलॉटमेंट होगा वो इंजीनियरिंग वगैरह के लिए होगा और सेकंड जो मॉक अलॉटमेंट होगा इंजीनियरिंग के साथ साथ मेडिकल का, डेंटल का और आयुष का भी होगा। तो जो कैंडिडेट गवर्नमेंट सीट लेना चाहते हैं, कर्नाटका के डोमिसाइल कैंडिडेट हैं, और जो अदर स्टेट के कैंडिडेट प्राइवेट सीट लेना चाहते हैं कर्नाटका में, वो सेकंड मॉक अलॉटमेंट के लिए अपनी च्वाइस फिल करेंगे। अब वो कब करेंगे, क्या रजिस्ट्रेशन कब होगा, ये हम आगे इस नोटिस में लिखा हुआ है। तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट लिखा है कि 4 अगस्त तक ऑप्शन फिल करने हैं, 12 बजे तक ये टाइम जा चुका है। ये था इंजीनियरिंग के लिए। तो ये फर्स्ट के पॉइंट में आपको इसमें कोई लेना देना नहीं है। जो नीट के एडमिशन लेना चाहते हैं, नीट के स्टूडेंट हैं, मेडिकल के लिए, MBBS के लिए, BDS के लिए, आयुष के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके फर्स्ट नंबर पॉइंट को आपने यहाँ ध्यान में नहीं रखना है। सेकंड नंबर पॉइंट भी यही है और थर्ड नंबर पॉइंट भी उसी के बारे में है, इंजीनियरिंग वगैरह के बारे में, फर्स्ट मॉक अलॉटमेंट के बारे में। अब इस फर्स्ट मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट 7 अगस्त को आ जाएगा। इसमें मेडिकल, डेंटल और आयुष का नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तक उनकी च्वाइस फिल नहीं ली गई है। अब आगे जो कैंडिडेट मेडिकल, डेंटल और आयुष से हैं, यानी कि जो कर्नाटक के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या वहाँ के गवर्नमेंट डोमिसाइल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS, BDS, आयुष में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। यानी कि कर्नाटक स्टेट में जिन कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनके लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, और जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है उनको यहाँ पर रोल नंबर फिल करने हैं, जो के रोल नंबर हैं वो यहां फिल करने हैं। तो ये लिंक जल्दी ही दे दिया जाएगा। दोबारा से बता देता हूं, जिन कैंडिडेट्स ने कर्नाटका स्टेट में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनका रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन होगा, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर दिया है वो अपने रोल नंबर फिल कर सकते हैं यहां पर। अब उसके बाद में सीट मैट्रिक्स वगैरह जारी हो जाएगा, सीट मैट्रिक्स के ये की वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, और उसके बाद में जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, रोल नंबर आपके फिल हो जाते हैं, उसके बाद आपने च्वाइस फिल करनी है और च्वाइस फिल करने के बाद में रिजल्ट आएगा। अब ये शेड्यूल मैं आपको बता देता हूँ फर्स्ट राउंड का, कर्नाटका स्टेट के मेडिकल का यानी MBBS के फर्स्ट राउंड का शेड्यूल देख लीजिए। अभी इसमें पॉइंट नंबर 1 पर लिखा है सीट मैट्रिक्स फीस
जो स्ट्रक्चर है वो जल्द ही जारी हो जाएगा। दो नंबर पर जो लिखा हुआ है वो मेडिकल स्टूडेंट के लिए लागू नहीं है, ये फर्स्ट मॉक अलॉटमेंट का है, इंजीनियरिंग वगैरह के लिए लागू है, इसलिए ऑप्शन एंट्री दो नंबर कैंडिडेट मतलब इनके लिए लागू नहीं है। तीसरा पॉइंट भी, फर्स्ट मॉक अलॉटमेंट रिजल्ट 7 अगस्त को आ जाएगा, ये भी इंजीनियरिंग वगैरह के लिए लागू है, MBBS यानी मेडिकल डेंटल के लिए ये लागू नहीं है। अब उसके बाद में हम आगे देखते हैं मॉक अलॉटमेंट सेकेंड के लिए, तो मॉक अलॉटमेंट सेकेंड में उसका जो रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट हो गया है, अब इसमें जो च्वाइसें फिल की जाएंगी ऑप्शन एंट्री होगा वो मॉक अलॉटमेंट सेकंड के लिए 9 अगस्त से 11 अगस्त तक होगा, 9 अगस्त से 11 अगस्त 3 दिन के लिए आपको यहां च्वाइस फिल करनी है। कौन कौन से कैंडिडेट को च्वाइस फिल करनी है, जो मेडिकल के कैंडिडेट्स हैं जो MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं कर्नाटका के गवर्नमेंट सीट के लिए एलिजिबल हैं, और जो कर्नाटका में अदर स्टेट कैंडिडेट MBBS में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये ऑप्शन एंट्री लागू है, यानी कि इनको च्वाइस फिल करनी है 9 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक। साथ साथ जो इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स हैं वो भी सेकेंड मॉक अलॉटमेंट में यहां च्वाइस फिल कर सकते हैं। तो जो MBBS BDS और आयुष के कैंडिडेट हैं उनको कर्नाटका स्टेट के लिए च्वाइस फिल करनी है 9 अगस्त 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक। अब जो सेकंड मॉक अलॉटमेंट होगा यानी कि मेडिकल के लिए भी होगा या MBBS के लिए भी, वो अलॉटमेंट आ जाएगा 14 अगस्त 24 को, यानी कि 14 अगस्त 24 को मॉक अलॉटमेंट आ जाएगा मेडिकल का भी, जिसमें यह पता लग जाएगा कि आपको MBBS की कौन सी सीट मिलने वाली है। अब ये तो मॉक अलॉटमेंट है, अब फाइनल अलॉटमेंट के लिए इसमें आप चेंज कर सकते हैं, 14 से 18 तक अपनी च्वाइसें ऊपर नीचे कर सकते हैं, MBBS के कैंडिडेट भी, BDS के भी, आयुष के भी और इंजीनियरिंग के कैंडिडेट भी हैं वो भी अप डाउन कर सकते हैं 14 से लेके 18 अगस्त 24 तक, और फिर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 21 अगस्त 24 को, यानी कि कर्नाटका के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ रहा है 21 अगस्त 24 को, और MCC के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा 23 अगस्त 24 को, कर्नाटका का रिजल्ट 2 दिन पहले जारी हो जाएगा। तो ये जानकारी थी कर्नाटका स्टेट के बारे में। अब मैं आपको लास्ट में एक समराइज और करवा देता हूं ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना हो। सबसे पहले अभी कुछ ही दिन में यानी कि एक आध दिन में हो सकता है आज ही कर्नाटका स्टेट के रजिस्ट्रेशन दोबारा से ओपन होंगे मेडिकल स्टूडेंट के लिए, BDS के लिए, आयुष के लिए। तो जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर दें, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर रखा है वो ऑलरेडी इसमें रोल नंबर फिल कर दें। अब जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में 9 से 11 अगस्त तक आपको च्वाइस फिल करनी है, 9 से 11 अगस्त तक च्वाइस फिल करनी है कर्नाटका स्टेट के फर्स्ट राउंड के लिए, और 9 से 11 तक च्वाइस फिल करने के बाद में मॉक अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा 14 अगस्त को। उसके बाद आप एक बार देख लें कि आपको कौन सी सीट मिल रही है, उसके बाद में उसमें आप चेंज कर सकते हैं अप डाउन, ये 14 से 18 अगस्त तक कर सकते हैं, और फिर फाइनल फर्स्ट राउंड का 21 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप सीट ऑक्यूपाई कर सकते हैं। ये कर्नाटका स्टेट के फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है। बाकी जैसे ही अपडेट मिलेगी इसके बारे में, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। शायद आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, नहीं अगर डाउट क्लियर हुआ है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।